हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी अजीब जगहों पर रहते हैं कि दुनिया हैरान रह गई। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं जिम्बाब्वे। दोस्तों, कुछ दिन पहले जिम्बाब्वे के शहर जेंगजेगा में पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल एक औरत की थी, इसका नाम गोगो महलाला था। इस औरत ने पुलिस को बताया कि मेरे शौहर की कई दिन पहले मौत हो गई थी, लेकिन मैंने इसको दफनाया नहीं। अब इसकी लाश से बदबू आ रही है। पुलिस फौरन इस औरत के घर पहुंची और इसके शौहर की लाश को तहवील में ले लिया, लेकिन इस घर में एक और राज छुपा हुआ था। दोस्तों, इस औरत का एक बेटा भी था जिसका नाम ग्रांट था। ये लड़का 14 साल पहले गायब हो गया था। इनके पड़ोसियों ने कई दफा इस औरत से ग्रांट के मुतालिक पूछा। इस औरत ने बताया कि इसका बेटा कहीं चला गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस को इस घर की तलाशी के दौरान एक कमरे की छत पर लगे पंखे के ऊपर से किसी की आवाजें आ रही थी, तो ऊपर एक छोटी सी जगह बनी हुई थी जहां एक आदमी बहुत बुरी हालत में मौजूद था। ये आदमी 14 साल से इसी जगह पर रह रहा था। ये खाता पीता भी यही था। दरअसल 14 साल पहले इस औरत को शक था कि इसके घर पर किसी ने काला जादू करवाया हुआ है। बाद में इसको किसी ने बताया कि ये जादू तुम्हारे बेटे पर करवाया गया है और इसी की वजह से तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। इस औरत ने अपने ही बेटे को 14 साल से इसीलिए इस जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। अभी ये पता नहीं चला कि ये आदमी जहनी तौर पर स्टेबल है कि नहीं। बहरहाल, ये अजीब कहानी जिम्बाब्वे की मीडिया में काफी वायरल हो चुकी है। दोस्तों, ये एक चोर है जो अमेरिका में वॉशिंगटन के ग्रोसरी स्टोर में चोरी कर रहा है, लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। ये चोर इसी स्टोर में रहता था और किसी को पता ही नहीं था। दरअसल ये आदमी इस स्टोर की छत के अंदर रह रहा था। यहाँ आने वाले लोगों को अक्सर इस चोर की छत से चलने की आवाजें आती थीं। कई हफ्तों से ये चोर इस छत के अंदर बनी हुई एक जगह पर अपना दिन गुजारता था और रात को निकलकर इस चोर में चोरी किया करता था, लेकिन फिर एक दिन सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर ये चोर पकड़ा गया। दोस्तों, कई लोग मजबूरी में किसी ब्रिज के नीचे रहते हैं, लेकिन अमेरिका में एक औरत है जो एक ब्रिज के अंदर रहती है। इस औरत के अलावा भी कई लोग इसी ब्रिज के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस ब्रिज के नीचे सुराख है जिसके जरिए ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी जगह मौजूद है। ये लोग खाना पीना सोना सब यहीं करते हैं। इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरती है जिसकी आवाज इनको हर कुछ देर के बाद सुनाई देती है। दोस्तों, मिलिए इस आदमी से जो वियतनाम में एक दीवार के अंदर रहता है। इसका नाम वैन जुआन है। ये एक सड़क के जरिए नीचे जाकर दो दीवारों के दरमियान बनी हुई स्पेस में अपनी जिंदगी गुजारता है। यहाँ इसने अपना एक कमरा बनाया हुआ है जहाँ ये 40 साल से रह रहा है। इसकी फैमिली भी कभी यहीं रहती थी, लेकिन ये अब यहाँ अकेला ही जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, 3 साल पहले अमेरिका में दो लड़कियां शॉक रह गईं जब इनको पता चला कि इनके घर के क्लोसेट में कोई अनजान आदमी रह रहा है। इन लड़कियों की चीजें घर से गायब हो जाया करती थीं। इनकी दीवारों पर हाथों के निशान भी मौजूद होते थे। और फिर एक दिन इनको पता चला कि इनके घर में एक 30 साला आदमी एंड्रयू रह रहा था। इस आदमी के पास शायद इनके घर की डुप्लीकेट चाबियां थीं। इन्होंने इस आदमी को अपने घर के क्लोजेट से पकड़ा था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था। और दोस्तों, आखिर में इन मियां बीवी को देखें, मिगुअल और मारिया गार्सिया। ये दोनों मियां बीवी पिछले 27 साल से एक गटर के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दोनों कोलंबिया में रहते हैं और कभी ड्रग एडिक्ट्स थे, लेकिन फिर इन्होंने ड्रग्स लेना बंद कर दी, शादी की और इस गटर में आकर रहना शुरू हो गए, क्योंकि इनके पास कोई घर नहीं था। इनके साथ इनका कुत्ता भी रहता है। इनके पास जिंदगी गुजारने की सारी बेसिक चीजें यहाँ मौजूद हैं। इनके मुतालिक मैं अपने दूसरे चैनल पर एक अलहदा से वीडियो भी पोस्ट कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।